हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माई चैनल फिजिक्स एसपीसी। मोशन ऑन अ प्लेन का एक अच्छा क्वेश्चन। अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस टू जे कैप मीटर पर सेकेंड व्हेन आई इज अलोंग द ग्राउंड एंड जे कैप इज अलोंग द वर्टिकल। इफ जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द इक्वेशन ऑफ इस ट्रेजेक्ट्री इज। ठीक, तो पहले जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं और उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये तो ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, और इसके अलोंग जो है यूनिट वेक्टर हमें जो दे रखा है, दिस इज आई कैप। और यहाँ से एक पार्टिकल को पहले प्रोजेक्ट किया गया, अ प्रोजेक्टाइल मतलब बॉडी जिसको फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस टू जे कैप से। मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी है, वेक्टर फॉर्म में रखी है यू वेक्टर। यहाँ गिवेन है यू वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक, और इनिशियल एंगल मान लो ये थीटा है और ऐसे ये आपका फेंका गया है, और मान लो ये वर्टिकल है आपका, ये वर्टिकल है और इस दर्शन में यूनिट वेक्टर जे के बने। ठीक, अब इस यू वेक्टर के जब हम कंपोनेंट करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये यू एक्स बोलते हैं, और ये वाला इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई। तो इसको हम कंपैरिजन करते हैं, अगर इसकी कंपैरिजन किससे, यू वेक्टर इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। यहाँ यू एक्स इस इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और वाई वर्टिकल कंपोनेंट है, ये अलोंग द ग्राउंड और ये अलोंग द वर्टिकल। इसलिए हम कंपेरिजन करिए इन दोनों इक्वेशन की, तो यहाँ से यू एक्स निकल के आया 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि तो आई को छोड़कर जो है यू एक्स है, आई को छोड़कर जो है वन है वो 1 मीटर हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड। एंड यू वाई इक्वल टू आपका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये तो हमें डाटा गिवन था, बस इतना ही डाटा गिवन है। और जी की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, जो कि हमेशा डाउनवर्ड होती है, वो जीत रखी है। और जी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन गिवेन है 10 मीटर पर सेकेंड उसकी, और ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री पूछ रहा है, तो वी नो दैट ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, इट्स मतलब प्रोजेक्टाइल है ना, इट्स इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ये फॉर्मूला होता है हमारा वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस टू जी माइनस के टू जी एक्स स्क्वेयर, नहीं टू नहीं होता, केवल जी एक्स स्क्वेयर ओवर जी एक्स स्क्वेयर ओवर टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये हमें लर्न होना चाहिए भाई, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये वाला फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए। इसमें थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने एंगल से फेंका गया है, और यू इनिशियल वेलोसिटी है, और एक्स और वाई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, कोई भी पॉइंट मान लो उसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ट्रेजेक्ट्री पे लाई करने वाले। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब बच्चे सोचते हैं कि टेन थीटा कैसे निकालें, तो आसान है, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ से अगर मैं टेन थीटा निकालूँ इस वाले ट्राइंगल में, तो परपेंडुलर है आपका यू वाई और बेस है यू एक्स, इसीलिए 2 बाई 1 टेन थीटा निकले आया 2 बाई 1। लेकिन कॉस थीटा भी चाहिए, लेकिन कॉस थीटा भी चाहिए, तो कॉस थीटा भी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए यू, है ना। तो टेन थीटा निकले आया, पहले तो मैं नाव ये मैं करने से पहले मेरे को निकाल लेना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर रूट के अंदर 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर, इसीलिए ये हो गया रूट के अंदर आपका 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपकी, मैग्नीट्यूड आ गया, यू चाहिए देखो ये, और
टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा निकल आया, ठीक कॉस थीटा भी चाहिए है ना, तो कॉस थीटा कैसे निकालें, एंड टेन थीटा इक्वल टू ये 2/1 है, इसे लिख लो आप परपेंडिकुलर, इसे लिख लो बेस, तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर 2x हो गया और बेस हो गया आपका x, तो हाइपोटेन्यूस निकल आएगा रूट के अंदर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, रूट के अंदर 4x² + x² दैट मीन्स आपका आ जाएगा x√5। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या कॉस थीटा, तो देखो कॉस थीटा कैसे निकालें, आसान है कुछ नहीं, बस आपको इस इक्वेशन में जो भी रिक्वायरमेंट है आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है कि उसको कैसे निकाला जाए, है ना। तो कॉस थीटा निकालने के लिए आपके अगर ये बेस बटे हाइपोटेन्यूस लगा लीजिए, बेस तो आपका देखो एक्स है और हाइपोटेन्यूस निकला है x/x√5, ये से कैंसिल दैट मीन्स 1/√5 कॉस थीटा निकल आया, बस पुट करना है सब, सबकी वैल्यू अपने आप आंसर आ जाएगा। नाउ देन लिख देता हूँ, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो होती है वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी x² / 2u² cos² थीटा। तो वाई बराबर टेन थीटा की वैल्यू देखो, हमारे पास जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू है आपकी 2, टेन थीटा की वैल्यू आई आपकी 2, तो टेन थीटा की वैल्यू चाहिए एक तो हमें, तो टेन थीटा की वैल्यू 2 हो गई, एक मेरे को यू की वैल्यू चाहिए, यू की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, एक मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई मेरे पास 1/√5, बस ये सब पुट कर देना है आपको यहाँ, तो 2x - g की वैल्यू 10 x² / 2, यू की वैल्यू रखूँ √5 उसका क्या कर दूँ स्क्वेयर, और कॉस थीटा की वैल्यू रखूँ 1/√5 उसका क्या कर दूँ और स्क्वेयर। देखो इससे ये पूरा कट ही जाएगा, पूरा के पूरा 2 से कट गया 5 बार, तो वाई बराबर आ गया 2x - 5x², ये सीधा सीधा आपका आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। इसीलिए मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, ठीक वाई बराबर 2x - 5x², ये आ रहा इसका आंसर हो गया बी, जेई मेन 2013 में आया। उम्मीद करता हूँ कि आपके इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिला हो और आपको समझ में भी आया हो। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।